हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात दी। आप देखिए, वहां पर उन्होंने कितने बजट में कितना इजाफा कर किया, जिससे जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक स्थिति है दिन प्रतिदिन वहाँ पर बढ़ अच्छी होती जा रही है। साथ में आप देखिए, वहाँ पर जो है ट्रेन का, ब्रिज का, पुल का, हर चीज़ का जो है अलग अलग तरह से वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि ग्रास रूट से डेवलपमेंट हो रहा है। उसी में एक और कड़ी जुड़ गया पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में जो सौगात दिया। आज पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर घाटी पर बड़ी सौगात दिए। जम्मू कश्मीर के दौरे में पीएम मोदी ने कई योजना का आधारशिला रखेंगे। इतने अच्छे तरह से भाषण और इतना बड़ी भीड़ जुटी हुई थी कि कह नहीं सकते। 370 जो हटने के बाद लगातार सरकार जो है अहम फैसला जो है जम्मू कश्मीर के हित में कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम आदाब गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस व्लॉग में। तो आज ट्रेन की इनॉग्रेशन होने वाली है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जम्मू आ गए हैं, वहीं से ऑनलाइन इनॉग्रेशन होगी ट्रेन की। कल मैंने आपको बताया था दो ट्रेनें जो है वो संगलदान गई हैं, अभी वो वापस आने वाली है संगलदान से, और हम उन ट्रेन में बैठ करके बानीहाल की ओर जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। तो जब ट्रेन आ जाएगी हम आपको पूरा दिखाएंगे। हम यहाँ से बैठ के बानीहाल जाएंगे और फिर से वापस हमें वो यहीं पे छोड़ेगी। तो चलिए, आप देख सकते हैं बर्फ फ्रेश आज पड़ी है, मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। टनल T50 में ट्रेन ऐसा यात्री लेकर के
जम्मू कश्मीर को एक तोहफा इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसके बाद जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला बनिहाल सेक्शन से 138 किलोमीटर पर डीजल से चलने वाली ट्रेन चलती है। नई लाइन चालू होने के बाद यात्री अब बारामूला से संगलदान तक ट्रेन का यात्रा कर सकेंगे और ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसको मोदी जी ने, हमारे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर अभी हैं। इस दौरान वह घाटी में बड़ी बड़ी सौगात दिए हैं, सौगात की झड़ी लगा दी है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक और बड़ा तोहफा जो ट्रेन की दी, इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो फाइनली दोस्तों हम बानीहाल पहुंच गए। पहली यात्रा हम लोगों ने की है संगलदान से बानीहाल की और ये आप देख सकते हैं बर्फ। पहली यात्रा हमने की संगलदान से बानीहाल तक हमारी ट्रेन में। ये आप देख सकते हैं लोग बहुत खुश हैं। तो हमारी पहली यात्रा सक्सेसफुल रही, ये आप देख सकते हैं। क्या मजा आया, बहुत मजा आया। और बर्फ पड़ रही है, लाइव स्ट्रीम आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। अभी जो लोग हमारे साथ देख रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज? जो अभी हमारे साथ लाइव ऑडियंस देख रही है उनके लिए कोई खास मैसेज? उनके लिए है कि जब ये रेल लाइन जुड़ जाएगी तो कश्मीर में आए, घूमें, आनंद लें। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है, अभी तो हमें इस वक्त बानीहाल रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं बर्फ का खूबसूरत सा नज़ारा। ट्रेन अभी आधे घंटे के बाद आई तो हमने सोचा ज़रा आप लोगों के साथ थोड़ा व्यू शेयर करें बानीहाल रेलवे स्टेशन का। भाई साहब पूरा संगलदान आया था आज बानीहाल। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। बहुत खूबसूरत ट्रेन,
टूरिस्ट के लिए है आप देख सकते हैं टनल टी 50 से ट्रेन बाहर निकलते हुए तो नजारा स्टेशन का पहाड़ों में जो है स्नोफॉल वगैरह फ्रेश स्नोफॉल वगैरह पड़ा हुआ है। तो बाकी आप बिल्कुल देख सकते हो मेरे साथी भी यहाँ पे एक हमसे मिले मुनीर मेहतर जी, ये हैं, ये अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इनके चैनल पे भी इनके चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी आप देखते रहिए सागर ट्रांसपोर्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जा रही हुई ट्रेन है बनिहाल खड़ी सुबर्ण संगलदान सेक्शन 48 किलोमीटर की बीच नई रेल लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। एक्चुअली क्या है, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जोड़ने का उनका हमारे पीएम का इरादा है कि पूरे देश से कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतर हो, जिससे कि जम्मू कश्मीर बेसिकली क्या है, इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर मेन, यहाँ का जो मेन रोजगार है टूरिस्ट है। तो सभी टूरिस्ट के लिए आसान रास्ता करने के लिए सभी तरह के टूरिस्ट जो फ्लाइट में हवाई जहाज का सफ़र नहीं कर सकते हैं, वो ट्रेन का भी सुविधा देने से हर जगह से देश के कोने कोने से कनेक्टिविटी रहने से जम्मू कश्मीर आराम से जाया जा सकता है। और इस तरह करके जिसमें जो आधारशिला भी इसी में आधारशिला वो रखेंगे, जिसमें
15,863 करोड़ रुपया की लागत लगी है इसमें। इसके अलावा बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान विद्युतीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। विद्युतीकरण बिजली का इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, इसमें 470.23 करोड़ रुपया का लागत से 185.66 किलोमीटर का रेल निर्माण किया गया है। एक्चुअली वो क्या है कि पहाड़ी एरिया है, कहीं बहुत कठिनाई आया उसमें, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगा। इसी के साथ संगलदान बारामूला के बीच ट्रेन सेवा को श्रीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, तो श्रीनगर से हरी झंडी दिखाया गया और वो बारामूला संगलदान ये वाला। इसके पहले भी विस्टा करके चलता था, छोटा सा ट्रेन है विस्टा, जो कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है, जैसे कि आपका वहाँ बाहर के कंट्री में चलता है उसी तरह, स्विट्जरलैंड वगैरह में उस तरह करके, सब तरफ बर्फबारी पड़ रही है और वो ट्रेन में जा रहे हैं। अजब उसका बहुत खूबसूरत आनंद आएगा, उसका अजीब सी आनंद आएगा उसमें। बनिहाल, खड़ी, सुम्बड़, संगलदान सेक्शन पर ट्रेन का रफ्तार पकड़ना कई तरीके से महत्वपूर्ण है। इस पूरे मार्ग पर बैलास्ट लेस ट्रैक का उपयोग किया गया है, जो यात्रियों का बेहतर यात्रा का अनुभव देगा। इसके अलावा खड़ी, सुम्बड़ के बीच भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, मतलब पहाड़ों को काट के सुरंग बनाया गया, सुरंग T50 12.77 किलोमीटर, इतना लंबा सुरंग है, से इसी सेक्शन में इसी सेक्शन में स्थित है। राष्ट्र को समर्पित ये रेल परियोजना कनेक्टिविटी को सुधार करेंगे, साथ में क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी बढ़ावा देगा। जितना टूरिस्ट इसमें आएगा उतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियली स्थिति उतना मजबूत होगा। इसीलिए जो दूर दराज का, जो पहाड़ों के दूर सुदूर में गांव था, उन सब को भी जोड़ा गया है सुरंग के मार्फत से, ट्रेन के जरिए से। बनिहाल संगलदान के बीच 48 किलोमीटर का रेल मार्ग आज रफ्तार भरेगा। पीर पंजाल, USBRL, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना चुनौतीपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहीं पहाड़, उबड़ खाबड़, उसको कहीं सुरंग बनाना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है सरकार के लिए उसको, लेकिन वो बहुत आराम से, गवर्नमेंट भी इसको चैलेंज लेके उसका डेवलपमेंट गांव से गांव। और दूसरा बात है कि सरकार का एक योजना है कि जिधर जो कि सीमावर्ती है उसको भी स्पेशल, उसका भी दर्जा दिया गया है। देश के बाकी हिस्सों के साथ हर मौसम के अनुसार आरामदायक और आर्थिक रूप से बेहतर परिवहन नेटवर्क उपलब्ध कराना है जम्मू कश्मीर में। कुल 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना में 41,119 करोड़ रुपया की लागत लगी है, मतलब पैसे की तो भरमार कर दिया है गवर्नमेंट ने, और जिससे कि चैलेंज हो गया है कि इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा विकास किया जाए। अभी आप देखिए इंडिया के किसी क्षेत्र में इतना विकास का इतना परियोजना नहीं है जितना कि जम्मू कश्मीर में। प्लस जम्मू कश्मीर का जो मौसम है, मौसम के हिसाब से वहाँ काम करना भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि पहाड़ है, टनल बनाना बहुत ही टफ है, जैसे कि उत्तराखंड में है और जगह में है उसी तरह यहाँ पर भी है। अब तक ऊपर से ये आतंकवादी घटना अभी कम हुआ है, जिसके कारण ये परियोजना भी अपना रंग ला पाया है, जो अपना परियोजना भी संपूर्ण हो पा रहा है। अब तक USBRL उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना 161 किलोमीटर तक रेल परिचालन पहले से ही चालू है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ाते जा रहा है, जिससे कि ये पूरा गवर्नमेंट का ये प्लान है कि पूरा कनेक्टिविटी उसका
पूरा ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी हो, जिससे कि आराम से कहीं से कोई भी जाया जा सकता है या जम्मू कश्मीर से कोई बाहर आ सकता है वहां का, जैसे कि और राज्यों का है उस तरह जम्मू कश्मीर का भी कनेक्टिविटी को बिल्कुल बिल्कुल सुविधाजनक बना देना है आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बारामूला बनिहाल सेक्शन में 138 किलोमीटर पर डीजल से चलने वाली ट्रेन चलती है, फिलहाल चलती थी, अब वो इलेक्ट्रिक भी। नई लाइन चालू होने के बाद यात्री बारामूला से संगल दाम तक ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। इस तरह करके जो है प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया परियोजना का और उससे इनॉग्रेशन किया ट्रेन का, जिससे वहाँ के यात्री को एक सुविधा और बढ़ा गया। धीरे धीरे जैसे जैसे और जोड़ते जाएगा, अब पूरा देश से जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जैसे और राज्यों में है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और जगह में है, उस तरह यहाँ पर भी हो जाएगी, जिससे किसी को आने जाने में नहीं, वहाँ से आने वाले को किसी को कष्ट होगा, नहीं तो यहाँ से बाहर जाने वाले को कोई कष्ट। इसमें हमने वीडियो कवर किया है वहाँ के कश्मीरी भाई का, तो उसको भी मैं इसमें कवर किया हूँ, उसको लगाती हूँ साथ में, उसे कितना खूबसूरत वो जो बर्फ पड़ रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है, वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो बनिहाल सांगड़ के साथ पास से गुजर रहा है, तो उसका आप देखिए और कितना खूबसूरत कितना खुश लग रहा है वहाँ पर। और उस समय बर्फबारी, इस बार बर्फ लेट पड़ा है वहाँ पर, लेकिन बर्फ भी आ गई तो एक अलग ही वहाँ सबके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी। तो उसको देखिए और पक्का आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और घर बैठे आप बर्फ का आनंद लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।